बाबूलाल जी पार्टी ने नई जिम्मेवारी दी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आदरणीय श्री बीएमपी नड्डा जी को और संगठन महामंत्री बी एल संतोष जी को अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही जो हमारे साथ और पार्टी की पहचान यानी संघर्षशील पार्टी के पहचान झारखंड में हम सब लोगों ने जो बनाया, राज्यसभा के सदस्य आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी के महित में हम सब लोग साथ में काम किए। वैसे हम लोग पिछले 3 वर्षों से एक साथ मिलकर जो संघर्ष किए और साथ ही हमारे जो प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत भारती जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नगेंद्र जी और राज्य के प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री करमवीर जी और आज इस समारोह में हम सबके बीच उपस्थित है श्री अवधेश सिंह जी, क्योंकि आप सब लोग इससे परिचित हैं कि क्षेत्र से इनका जुड़ाव कैसे रहा है और हमारे तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता, जो हमें पूरा विश्वास है इन सबों का सहयोग से मिलकर के हम सब पार्टी को उस ऊंचाई तक ले जाना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछले 12 सीट हम लोग जीते थे, इस बार हम सब लोग बेहतर हो सके, 2 बचा हुआ सीट को भी हम सब लोग जीत सके, अर्थात 14 में से 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी और 2024 विधानसभा का चुनाव बड़ी जीत को झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अभी सरकार बने और उससे पहले देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उस काम में सभी कार्यकर्ता मिलकर के हम सब लोग लगे हुए हैं अभियान में और इसको पूरा करेंगे। इस वक्त तो इतना ही है, शेष आप सब लोगों से वहाँ मुलाकात होगी, वहाँ बात होगी। बहुत बहुत चलिए।